पाकिस्तानी सीमा पर आतंकी कैंपों पर भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद सीमा पर बड़ी तनातनी के बीच केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर लादेन को मार सकता है, यानी कुछ भी संभव है। साथ ही जेटली ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से देश हमारे साथ खड़े हैं उससे यह लगता है कि ऐसे समय में सब कुछ मुमकिन है। आंसुओं और आक्रोश की कहानी, एयरफोर्स ने दिखाई जवानी, दिया मुंह तोड़ जवाब, बंद करो करतूत कायरानी। पाकिस्तान में पनप रहे आतंकियों ने करतूत दिखाई, उसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने करतब दिखाया और जैश के आतंकियों को मार गिराया। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर 26 फरवरी की सुबह बालाकोट में जैश मोहम्मद के ठिकानों को ध्वस्त किया, तो तिलमिलाए पाकिस्तान ने भी अब अपनी तरफ से जवाबी हमले करने शुरू कर दिए। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बुधवार को पाकिस्तान के जेट्स इंडियन एयर स्पेस में घुसे। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में इनका सामना इंडियन एयरफोर्स की पेट्रोलिंग टीम से हुआ तो वापस लौट गए। जाते जाते वो एक बम गिरा गए, इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई। नौशेरा सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास राजौरी में पड़ता है। दूसरी तरफ श्रीनगर, जम्मू, लेह, पठानकोट एयरपोर्ट से भी सभी कॉमर्शियल फ्लाइट रद्द कर दी गयी। पाकिस्तान ने भी तत्काल प्रभाव से लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और इस्लामाबाद से सभी उड़ानें रद्द कर दी। पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तान के F-16 विमान भारतीय सीमा में घुसे थे। वहीं कश्मीर के बड़गाम में सुबह इंडिया का एक MI-17 विमान क्रैश हो गया। सुबह 10:40 पर यह दुर्घटना हुई और इसमें दोनों पायलटों के शहीद होने की खबर है। दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। जब से भारत ने कार्रवाई की तब से सीज फायर का उल्लंघन कर पाकिस्तान अपने नापाक इरादे दिखाकर भारत को डराने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान के बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही नजर आ रहा है। जैश के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने अब LOC और भारत पाक सीमा पर गोलीबारी शुरू कर दी। 26-27 फरवरी की रात LOC पर पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी की गई। आतंक के वार के बाद भारतीय सेना का पलटवार, भारतीयों की हुंकार, बंद करो आतंक का व्यापार नहीं तो तबाह हो जाएगा तुम्हारा बाजार। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव से दिल्ली में आपात बैठकों का दौर शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश सचिव, रक्षा सचिव और खुफिया विभागों के प्रमुखों की बैठक चली। इस बैठक में पाकिस्तान को करारा जवाब देने की रणनीति तय की गई। दोनों मुल्कों के तनाव के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज के हालात में सब कुछ मुमकिन है। जब अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर आतंकी संगठन अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को मार सकता है तो कुछ भी संभव है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश हमारे साथ खड़ा है उसे जाहिर है कि ऐसे हालात में सब कुछ मुमकिन है। हमारे देश में तो लगता है कि जिस प्रकार जनता उत्साह से खड़े हो जाती है कि पिछले 24 घंटे देख लें तो शायद उस एक सप्ताह को हम एक दिन कह सकते हैं। और जिस प्रकार की चीजें हम लोग देखते हैं, मुझे याद है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई तो क्या हम नहीं कर सकते? ये केवल कल्पना होती थी, इच्छा होती थी, एक फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी। आज तो वो भी संभव है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हालात बहुत जल्द बदल रहे हैं। याद दिला दूं, अमेरिकी सेना ने एबटाबाद में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था। हमें सोचना चाहिए कि क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि काफी मुश्किल था लेकिन हम जानते हैं कि हम भी ये कर सकते हैं। जेटली के इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत भी पाकिस्तान में घुसकर बड़े स्तर पर जैश के आतंकी ठिकानों को नुकसान पहुंचा सकता है।
भारत और पाक के बीच जिस तरह के माहौल बन रहे हैं उससे एक बात तो साफ है, पाकिस्तान शांति का पक्षधर नहीं है। अगर होता तो ऐसी करतूत ना दिखाता। पाक के नापाक इरादों को सेना लगातार नाकामयाब कर रही है। भारत सरकार ये कह रही है हमारी लड़ाई किसी देश से नहीं है, हमारी लड़ाई आतंक के खिलाफ है। पुलवामा में जो हुआ उसका बदला पूरा देश मांग रहा था और साफ लहजों में देश के पीएम ने भी कह दिया था कि सेना अपने आप से करे काम, इन आतंकियों को दे पैगाम कि आतंक फैलाओगे तो यही होगा अंजाम। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।